अपनाना सीखो, ठुकराना भी सीखो। जहां पर इज्जत नहीं वहां से उठकर जाना भी सीखो। इंसान क्या है, बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला है। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता, हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। यह बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे, पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसीलिए लोगों की परवाह मत करो, करो वो जो उचित चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाइए। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी और खराब बात यही है कि ये हमेशा नहीं रहने वाली, ये एक उम्र के बाद हम सभी को समझ में आने लगती है कि दिन अच्छे हों या खराब, दोनों बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो चीजें आपके लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से कोई फायदा नहीं है। भले ही जीवन भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखा करो। आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कद्र नहीं करता। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गवा दिया। संभव ना हो तो साफ मना कर दें, पर किसी को अपने लिए इंतजार ना करवाएं। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाहे कितना भी प्यार मान सम्मान दो, फिर भी वो आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। अगर कोई साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर दो। पकड़ के रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। जरूरत नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए, क्यों ना मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास घोली जाए। खुशियों का कोई रास्ता तय नहीं होता, हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। यह बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि आप कौन हैं। पता है लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते, क्योंकि हम उन्हें ये एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए हैं। इसीलिए उनको लगता है कि वो जब चाहें हमारा फायदा उठा सकते हैं, वो जैसा चाहें वैसा आपसे करवा सकते हैं। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। खुद की अच्छाई इतनी बढ़ाओ कि उसे बताने के लिए आपको शब्दों का जाल ना बुनना पड़े। आंसू दिल दुखने पर निकल आए, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकले। अपने लोग नहीं, अपने कर्म लौट कर आते हैं। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। सिर्फ लोग तभी तक अपने होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। जब आपका होना और ना होना बराबर हो जाए, तब आपका ना होना ही बेहतर है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाएं, कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो मुसीबतें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। इसीलिए मुसीबतों का डटकर सामना करो। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय
हमेशा प्रेम भाव। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास वक्त तो भरपूर होता है, बस उनको तुम्हें नहीं देना, ये बात समझ लेना उनका ना दिल भर गया है। ये बात जितनी आपको चुभेगी उतनी ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द आपसे कोई कहे तो आपको कैसा लगेगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहां वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा रहेगा। कभी दुश्मन की भी मदद करनी पड़े तो चूकना मत, हम दिल वाले हैं, बदला लेना तो बुजदिलों का काम है। चयन करो वही मार्ग जिससे कर्मों का श्रेय हो। जिन लोगों को अपना लक्ष्य पता होता है वो लोगों की बातों पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं वो दूसरों का नुकसान तो करते ही हैं, अपना भी नुकसान कर बैठे। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है, समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूँ, फिर इंसान अपनी औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक हैं। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वो जिंदगी भर टिकेंगे। आप शांत रहिए, स्थितियां कैसी भी हों बदलेंगी जरूर। तुम्हें पता नहीं शायद वो अपना ही घर जला रहा है जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है। ईश्वर तब खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। और यकीन मानिए, आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो, उस इंसान का बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। इंसान के लिए दो ही चीजें खास हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का दर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा, और ईश्वर का दर रहेगा तो उसकी कृपा बरसती रहेगी। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हों, चिंता करने से और ज्यादा होती हैं, खामोश होने से बिल्कुल कम और सब्र करने से खत्म हो जाती हैं, तथा परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से खुशियों में बदल जाती हैं। जिंदगी बहुत छोटी है, जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुरा कर माफ कर दो। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो सुखी रहेंगे। आप जिस चीज पर ध्यान देंगे वह चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यह कुदरत का नियम है। हृदय में जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। संबंधों को सिर्फ समय की नहीं समझ की भी जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो जाओ, परमेश्वर आपकी सभी चिंता और परेशानियों से बहुत बड़ा है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। मधुमक्खी बनकर गुणों रूपी मिठास एकत्रित करते रहिए। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में
कोई अपना भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी भी महाभारत होने नहीं देते। अच्छे विचारों से इतना व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना पाए। लोगों के काम आते रहिए, क्योंकि कुदरत का एक उसूल है, जिस कुएं से लोग पानी पी रहे हैं वो कभी सूखता नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। हमारे पास जो कुछ है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उस दिन से हमारी परेशानियां भी हम में दिलचस्पी लेना बंद कर देती हैं। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। इंसान बनो, लेकिन केवल नाम रूप और शक्ल से नहीं, बल्कि हृदय बुद्धि और ज्ञान से बनो। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। असली बड़ा आदमी वो होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा ना महसूस करे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उस इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ सहायता करने की भी भावना रखता हो। वक्त बड़ा अजीब होता है, इसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है, और ना चलो तो किस्मत ही बदल देता है। रोने से इंसान कमजोर बनता है, ये गलत है, बल्कि रो रो कर टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। बहुत महंगी पड़ती है वो मोहब्बत जिसमें खुद को सस्ता कर दिया जाए। जो हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए। हमारी जैसी जिंदगी जीना भी बहुत लोगों का सपना है। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, परंतु पहली चोट कभी व्यर्थ नहीं होती। उनके व्यवहार पर भरोसा मत करो जिनकी फितरत में दुख पहुंचाना या धोखा देना हो, क्योंकि पानी को आग से कितना भी गर्म किया जाए वो उसको बुझाने के लिए काफी है। यदि आप चाहते हैं सभी आपसे प्रेम करें तो प्रेम की शुरुआत पहले आपको करनी होगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो बोया है वही निकलेगा। कई बार चीजों को रोके रखना आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए जाने दो। आंसुओं का कोई वजन नहीं होता, लेकिन निकल जाने पर मन हल्का हो जाता है। इंसान कुछ गलत करके सबकी नजरों में धूल झोंक सकता है, लेकिन भगवान सबका हिसाब रखता है। अपनी ईमानदारी और सामने वालों की गलतियों को कभी ना समझाएं। एक दिन सच्चाई समय के साथ अपने आप समझा देगी। ईश्वर का बनाया हुआ एक पेड़ जिसके नीचे एक अमीर व्यक्ति भी बैठ सकता है और एक गरीब व्यक्ति भी बैठ सकता है, दोनों को एक जैसी हवा और एक जैसी छांव मिलती है, कोई अंतर नहीं होता। इसका मतलब
ईश्वर इस दुनिया के सभी मनुष्यों को एक जैसे देखते हैं, सभी के पास एक जैसी शक्तियां हैं, और अगर ऐसा है तो आप वास्तव में भाग्यवान हैं। दोस्तों, ईश्वर की बनाई इस सृष्टि में सब कुछ एक ही भाव से बनाया गया है, वो है सिर्फ देना। याद रखना, उस इंसान को कभी नजरअंदाज ना करना जो आपसे प्यार करता है, आपकी देखभाल करता है, आपको याद करता है, क्योंकि एक दिन जब आपकी आंखें खुलेंगी तो आपको ये एहसास होगा कि आपने तारे गिनते गिनते आपने चांद को खो दिया। धैर्य रखें, सही समय आने पर आपके पास वह सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। कई बार ईश्वर आपको केवल इसीलिए संसाधन संपन्न बनाता है क्योंकि वह स्वयं घर घर जाकर आपके आसपास के सभी जरूरतमंदों की मदद नहीं कर सकता। बहानों से आज आसान बनेगा और कल कठिन, और अनुशासन से आज मुश्किल बनेगा और कल आसान। आप जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोए? जिस घड़ी में हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोएं? भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें कुछ अच्छा मिलता है, भाग्यशाली तो वह होते हैं जिन्हें जो मिलता है वो उसे अच्छा बना लेते हैं। संसार में हर इंसान का परिवर्तन निश्चित है, किसी का हृदय परिवर्तित होगा और किसी का समय। शब्द चाहे जैसे भी हो, मन खुश करें तो अर्थ वरना सब व्यर्थ। शांति चाहते हैं तो दूसरों के काम पर और दूसरों की कमियों पर ध्यान देना बंद कर दें, सिर्फ अपने जीवन पर और अच्छी बातों पर ध्यान दें। तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे ना बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना, और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। अपना वो है जो किसी के लिए तुम्हें नजरअंदाज ना करे। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत ना करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी हैं। इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। आप खुश हो अच्छी बात है, आपकी वजह से कोई खुश है ये सबसे अच्छी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो वह तो फिर भी भगवान है। वह ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल ही ना हो? ये सुंदर रूप, धन, जवानी, लालच, बेईमानी, छल और चिंता सब यहीं पड़ा रह जाएगा। व्यर्थ की चिंता किसी काम की नहीं। आज खुशी से जियो, क्योंकि अगले एक घंटे बाद क्या होगा वो भी नहीं पता। समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छा होने में समय नहीं लगता। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। वक्त से भी ज्यादा भावनाएं महंगी होती हैं, इसीलिए जो उसे समझ सके उसी पर उसे खर्च करना। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद हमें खुशी नहीं देती, मन बड़ा तो सुख बड़ा। किसी को किसी पर इतना भी निर्भर मत बनाइए कि अगर वह चले जाए तो आप बुरी तरह टूट जाएं। हर कोशिश कामयाबी हो जरूरी नहीं, पर हर कामयाबी के पीछे कोशिश जरूर है। अगर किसी को आप अच्छे नहीं लगते तो उसके सामने अच्छे बनो भी मत।
क्योंकि उससे ज्यादा आपको पता है कि आप कितने सही हो। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, इंसान को इंसान की लगाई हुई उम्मीद धोखा देती है। हर जगह मुंह मारने की आदत एक दिन इंसान का सब कुछ बर्बाद कर देती है। यहाँ रुलाता तो हर कोई है, लेकिन जो आपके लिए रो पड़े उसे अपनी जिंदगी से कभी अलग मत करना। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, पर समय का सही इस्तेमाल इंसान को जरूर सफल बनाता है। लोग आपकी तारीफ करते हैं तो ये आपकी योग्यता है, लोग आपसे जलते हैं तो ये आपका हुनर है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो, वह कभी भी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। वक्त बदलते देर नहीं लगती और कुदरत अपना हिसाब करती है। ना ही किसी चीज का गुरूर करो, हर किसी के साथ मिलकर रहो, चाहे वह आपके परिवार वाले हों, चाहे आपके मित्र। चोट का असर लगने में नहीं, अनुभव करने में होता है। आत्मा पर एक लगी चोट शरीर की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायी होती है। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य केवल ईश्वर ही दे सकता है, इंसान नहीं। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद को दिया जाए, वही सच्चा दान है। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते तो गलतियां सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जो जितना शांत होता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसीलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व, इसीलिए समय की कद्र करें। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले लोग ही लेते रहेंगे। उनके वफादार और कर्जदार रहिए जो आपके लिए अपना वक्त देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, पर फिर भी वह कभी सरल जीवन जी ही नहीं सकता। वह हमेशा चिंताओं में पड़ता है। चिंता से बाहर निकलने के लिए वह चिंता करता है। उसकी सबसे बड़ी चिंता उसका जीवन नहीं है, ये जीवन को बचा लेना चाहता है। आने वाले समय से भयभीत रहता है और गुजरे हुए समय में खोया रहता है। वह हमेशा स्वर्ग की तैयारी करता रहता है, उसे नरक से डर लगता है। वह जीवन को जानना नहीं चाहता, जीवन को पहचानना ही नहीं चाहता। वो हमेशा मृत्यु को जानना चाहता है, उसने ही जीवन को जाना नहीं है और मृत्यु को जानने की कोशिश करता रहता है। इसीलिए वह कभी खुद से कुछ करना नहीं चाहता, केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करता चला जाता है। इसी कारण से ना तो वह अनमोल जीवन को सही तरीके से जी पाता है और ना ही मृत्यु को गले लगा पाता है। एक बार एक बेटे ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, ये सफल जीवन क्या होता है, कैसे हो सकता है, इसका मतलब आप हमें समझाइए। तो पिता ने सोचा कैसे इसको समझाया जाए कि एक सफल जीवन का असली मतलब क्या होता है। पिता ने दिमाग लगाया और बेटे से कहा कि चलो बेटा, आज हम पतंग उड़ाने चलते हैं। और बाप बेटा पतंग उड़ाने के लिए चले गए।
बेटा पिता को ध्यान से पतंग उड़ाते हुए देख रहा था। थोड़ी देर बाद बेटा बोला, पिताजी ये धागे की वजह से पतंग ऊपर नहीं जा पा रही है। इस धागे की वजह से ये पतंग आजाद नहीं है। क्या हम इसे तोड़ दें? ये ऊपर चली जाएगी अगर हम तोड़ देंगे तो। पिता ने धागा तोड़ दिया। पतंग थोड़ा सा ऊपर गई और उसके बाद लहराकर नीचे आई और दूर अनजान जगह पर जाकर गिर गई। तब पिता ने बेटे को जीवन का दर्शन समझाया कि बेटा जिंदगी में हम जिस ऊंचाई पर हैं, हमें अक्सर लगता है कुछ चीजें जिनसे हम बंधे हैं वो हमें ऊपर जाने से रोक रही हैं। जैसा आपने अभी कहा कि धागा इसको रोक रहा है, अगर हम तोड़ देंगे तो ये ऊपर चली जाएगी। इसी तरीके से घर, परिवार, अनुशासन, माता पिता, गुरु और समाज है, ये भी हमारे जीवन में एक धागे का काम करते हैं और हम इनसे आजाद होना चाहते हैं। घर से आजाद होना चाहते हैं, परिवार से आजाद होना चाहते हैं, अनुशासन में नहीं रहना चाहते हैं, गुरु और समाज से आजाद होना चाहते हैं। और आजकल देखा जा रहा है अक्सर बच्चे आजादी की चाह में घर परिवारों को छोड़ रहे हैं, समाज की परवाह नहीं कर रहे, कोई अनुशासन नहीं है, उनके जीवन और गुरु और माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं। तो वास्तव में दोस्तों यही वो धागे होते हैं जो हमें उस ऊंचाई पर पकड़ के रखते हैं। इन्हीं की वजह से हम ऊंचाई पर हैं। इन धागों के बिना हम उड़ तो सकते हैं लेकिन बाद में हमारा वही असर होगा जो बिना धागे की पतंग का हुआ। जब तक जीवन में तुम ऊंचाइयों पर बने रहना चाहते हो तो कभी भी इन धागों के रिश्तों को मत तोड़ना। धागे और पतंग जैसे जुड़ाव है कि सफल संतुलन से मिली ऊंचाई को ही हम सफल जीवन कहते हैं। जब तक धागा पतंग से जुड़ा है तब तक पतंग उड़ रही है। धागा टूटते ही पतंग नीचे आ जाती है और किसी अनजान जगह पर खो जाती है। इसी तरीके से हमारा जीवन घर से है, परिवार से बना हुआ एक धागा है, जीवन में अनुशासन से बना हुआ एक धागा है, माता पिता से बंधा हुआ एक धागा है, गुरु और समाज से बंधा हुआ एक धागा है। अगर हम इस धागे को तोड़ देते हैं तो हमारा जीवन कभी भी सफल नहीं हो सकता। हो सकता है कि थोड़ी बहुत और ऊंचाई हम प्राप्त कर लें, लेकिन उसका कोई सार्थक उपयोग नहीं कर सकते और हम इतने नीचे गिर के आते हैं। बिना इन चीजों के हमें कोई संभालने वाला पैदा नहीं होता और अकेलेपन में कुड़ कुड़ के हम मर जाते हैं। तो ऐसे ही इस कहानी के माध्यम से सफल जीवन का रहस्य कुछ आपको समझ आया होगा।